देखिए, हमने जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो चल रहा है। पहली बात तो ये कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ना हम हमारे 11th क्लास का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। बाकी के बहुत सारे हैं आपके, सबके बेसिक्स साथ साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि सब तो हमें पढ़ने हैं, बस वही डिटेल में ही पढ़ने हैं हमें, है ना। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर में जो कुछ एक दो प्रोसेसेस रिमेनिंग है, बस आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। और आज की हमारी जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी फाउंडेशन लेवल की। कल से हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी नीव लेवल की क्लास होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? अगर उस क्लास के ड्यूरिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी, आप पूछ सकते हैं कभी भी, कोई भी, चाहे आपको एक सिंगल स्टेप भी समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा जो चल रहा था, दैट इज व्हाट लाइफ प्रोसेसेस, यही था। इस लाइफ प्रोसेसेस में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ग्रोथ पढ़ लिया है, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। एक बच्चे ने, किसी ने मैसेज किया हुआ था, जिस टाइम पर मैंने वीडियो देखा तब मैंने नोटिस किया था, किसी बच्चे ने पूछा था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है मैम, क्या उसे रिपीट कर सकते हैं? बेटा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, ठीक है। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग सड़ी गली चीजों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक बार मैं समझा देती हूँ। जिसने पूछा था, इज ही अवेलेबल इन द क्लास, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये पूछा था कि ये क्या होता है। तो देखो, सेप्रो जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ही होता है डेड और डिके। फाइटिक जो वर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, फाइटिक, मैंने आपको बताया हुआ, फाइटो वर्ड कभी भी आता है प्लांट्स के लिए आता है। तो यहाँ सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं है, सभी की बात हो रही है, ठीक है। ऑल्दो कि हम जानते हैं ज्यादातर डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो प्लांट्स का वेस्टेज ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेस्टेज वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स की कोई टूटी हुई ब्रांच है, लीफ है, उसके गिरे हुए फ्रूट्स हैं, ठीक है, या कोई भी और भी लकड़ी है कोई, कहीं पे भी, इसलिए यहाँ पर उसको सेप्रोफाइटिक यूज किया गया है। सेप्रो का मतलब होता है डेड, या तो मरा हुआ या तो सड़ा हुआ, डेड और डिके, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, फाइटिक, यहां पर मैं फाइटिक, वैसे तो प्लांट है, हमें पता है कि ज्यादातर जो चीजें होती है हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। फाइटिक जो वर्ड है यहाँ पर बेसिकली प्लांट्स के लिए है, बट हेयर आई एम नॉट राइटिंग ओनली फॉर प्लांट्स, क्योंकि बहुत सारे डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स भी होती है, उनका भी सेम डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक मैटर लिख दिया, उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, प्लांट्स भी और कोई भी पार्ट्स जो होंगे। इन पर क्या होता है, सपोज करिएगा, ये एक कोई लीफ है, ये पहले प्लांट्स के साथ अटैच थी और अब ये लीफ प्लांट से अलग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है नेचर में बहुत सारे छोटे छोटे से माइक्रोब्स होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली बैक्टीरिया फंजाई कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके स्पोर्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही उन्हें देखा कि एक प्लांट का पार्ट है अलग से गिरा है, वो क्या करेंगे, इस पर अपने लाइटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे। लाइटिक, लाइसिस वर्ड कभी भी कहीं भी आए इसका मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। तो लाइटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे, वो इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे से पीसेस में, ठीक है, इस तरह से। और फिर क्या हो जाएगा, वो अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो लाइटिक एंजाइम्स हैं, ये इस लीफ पर सीक्रेट होंगे, ये लीफ को तोड़ेंगे और फिर इससे न्यूट्रिशन रिलीज होगा, इस ब्रोकन पार्ट ऑफ लीफ से न्यूट्रिशन रिलीज होगा, और इस रिलीज न्यूट्रिशन को ये जो यहाँ पर क्या है, बेसिकली डिकम्पोजर्स हैं, दे में भी बैक्टीरिया, दे में भी फंजाई, कुछ भी हो सकते हैं, वो उस रिलीज न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, दे विल सक, ये इसको सक करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। तो इन्होंने एब्जॉर्ब करेंगे, इन्होंने, सॉरी, इन्होंने क्या नहीं किया है, इन्होंने डायरेक्टली न्यूट्रिशन के नहीं किया है, पहले उसको बॉडी के बाहर ही, एनवायरमेंट में, सेल के बाहर तोड़ा है। जो हमारी बॉडी के अंदर अंदर काम चल रहा है वो इन्होंने बाहर किया है, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को सेल्स तक पहुंचाती है, इन्होंने न्यूट्रिशन को बाहर ही रिलीज करके फिर उसको शक किया है, फिर उसको एब्जॉर्ब किया है। सो
सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसे सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। किसका? जो रिलीज न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रिलीज न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए हैं? उन्होंने अपने एंजाइम्स को सिक्रेट किया है, तो इसीलिए इसे एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइएगा जल्दी से, हाँ या ना? यस और नो? बेटा सबको समझ में आया? देखिए भी बहुत सारे बच्चे क्लास में रिमेनिंग है एनरोल्ड। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो बच्चे आए हैं, वैसे मैंने नया नहीं पढ़ाया अभी क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादातर आज की फर्स्ट क्लास है, तो बच्चे बहुत धीरे धीरे एनरोल होंगे इस क्लास में। किसी ने पूछा था कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोबारा से रिपीट कर दीजिए। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, सेप्रो का मतलब होता है डेड और डिकेइंग, फाइटिक का मतलब प्लांट होता है, आपको बता दिया है मैंने, फाइटो, फाइटा, फाइटिक, प्लांट से रिलेटेड वर्ड होता है। लेकिन प्लांट्स में भी तो ऑर्गेनिक मैटर ही होता है, हम जानते हैं ज्यादातर वेस्टेज तो प्लांट्स का ही पार्ट होता है, रॉ आई मीन जितने भी कह सकते हैं आप, जो राइपेन वेजिटेबल्स होते हैं या जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा राइपेन हो जाते हैं, लोग उनको फेंक देते हैं, उन पर फीड करते हैं कौन, क्योंकि वो कैसे हो जाते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उन पर फीड करते हैं हमारे माइक्रोब्स जनरली, जो बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देके बताया था, सपोज करिए कि एक लीफ है जो प्लांट से पार्ट से डिटैच हो गई है, अलग हो गई है, इसी लीफ पर ये जो ये बैक्टीरिया है, जो फंजाई है, वो अपने लाइटिक एंजाइम को सिक्रेट करेंगे। ज्यादातर इस कैटेगरी में मेनली फंजाई आते हैं, ये बात याद रखिएगा, वैसे तो बैक्टीरिया भी आते हैं बट मेनली फंजाई आते हैं, मेनली फंजाई। ठीक है, जनरली जो एब्जॉर्प्टिव या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करते हैं, तो मेनली फंजाई है। और अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो तो एग्जाम्पल इसमें सेप्रोट्रॉप्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं ये वो जो इस तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसके अंदर सब कुछ आ गए, बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी है, जो भी इस न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा वो सब आ गए इसके अंदर। ये प्लांट के लीफ पर लाइटिक एंजाइम्स ने सिक्रेशन जब हुआ, उन्होंने लीफ को यानी कि ब्रेक डाउन किया, उससे जो न्यूट्रिशंस थे उनको रिलीज किया, और वो रिलीज न्यूट्रिएंट्स को इन्हीं डिकम्पोजर्स ने क्या किया, इन्हीं सेप्रोट्रॉप्स ने या डिकम्पोजर्स ने सक किया, एब्जॉर्ब किया, बाहर उन्होंने फूड मॉलिक्यूल को तोड़ा है और उससे फिर न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन है उसको बॉडी के अंदर गेन किया है, इसीलिए इसको हम एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सेवम समझ में आ गया, बस यही पढ़ाया था, कुछ और नहीं पढ़ाया था। सेवम आ रही हूं क्लास, हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए, मैसेज मत करना मुझे, ये रब कर दूं मैं, ओके। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट प्रोसेसेस हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, तीन प्रोसेसेस हमने पढ़ लिए थे, बस रिमेनिंग हमें प्लांट्स से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपकी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है, सेम तरह से ही होता है, जैसे प्लांट्स में होता है ऐसे ही एनिमल्स में होता है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम प्लांट वाला पार्ट मेनली डिस्कस करेंगे। देखिए एक वर्ड है ये रेस्पिरेशन, क्या होता है? पहली बात तो जो रेस्पिरेशन होता है ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, इसमें रिडक्शन भी होता है, या मैं सिंपली ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है किसका, जो रेस्पिरेटरी फ्यूल्स है उनका, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल। अच्छा अब आता है कि ये रेस्पिरेटरी फ्यूल कौन सा होता है, दिस इज मेनली ग्लूकोज, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नॉट ओनली ग्लूकोज, इसके अलावा फ्रक्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेनली ग्लूकोज ही होगा, ठीक है। तो इस रेस्पिरेटरी फ्यूल का ब्रेकडाउन होगा क्यों, टू रिलीज, क्या रिलीज करने के लिए,
एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का रिलीज होगा इस रेस्पिरेटरी फ्यूल से जो कि ग्लूकोज में हो सकता है, इट ऑल्सो मे बी फ्रेक्टोज, इट ऑल्सो मे बी सुक्रोज, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी का जो हमारे बॉडी सेल्स होंगे वो यूटिलाइजेशन कर, नाउ दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड बाय बॉडी सेल्स, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए हाँ या ना, पहले टू मी वेरी फास्ट बेटा, यस और नो, क्लियर हुआ नहीं हुआ रेस्पिरेशन की, सिर्फ अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी क्या होता है रेस्पिरेशन का मतलब। अब रेस्पिरेशन को ना अभी आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन एक इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, ये जो है इट इज एन इंटरनल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस कह सकते हैं हम इसे, या इंटरनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बिकॉज ये कहाँ आकर होती है, अकर्स इनसाइड द सेल्स, है ना, इनसाइड द सेल्स और टिश्यूज वहां होती है। एक ऐसे ही एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, उसे हम रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। एक मैं उसको यहां पे लिख रही हूं, एक ऐसे ही एक्सटर्नल प्रोसेस भी होती है, एक्सटर्नल प्रोसेस, और ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस है इसे रेस्पिरेशन नहीं कहा जाता है, इस एक्सटर्नल प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग सांस लेना, ये पूरी की पूरी एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ एटमोस्फेरिक एयर, ये जो एटमोस्फेरिक एयर होगी ये O2 रिच होगी, इसका हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं सांस। दूसरा एक्सहेलेशन होगा, ठीक है, ऑफ CO2 रिच एयर का, ऑफ CO2 रिच एयर का, बॉडी के अंदर जो एयर गई थी दैट वाज ऑक्सीजन रिच, जो बॉडी से बाहर रिलीज हो रही है दैट इज CO2 रिच एयर, ये डिफरेंट है, ब्रीदिंग जो है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। हाँ, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्रीदिंग है इससे जो ऑक्सीजन मिलती है उस ऑक्सीजन का यूज यहाँ पे होता है, तो इसीलिए ना इसमें कंप्लीट क्या बनेगा, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी फ्यूल टू रिलीज ऑक्सीजन एनर्जी बाय यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज होगा उस रेस्पिरेटरी ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को या सुक्रोज को तोड़ने के लिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब देखिएगा, हमें समझना क्या है, होगा तो एनिमल्स में भी ऐसे ही होगा, प्लांट्स में भी ऐसे ही, ठीक है। हम यहाँ पर प्लांट्स की बात करते हैं, इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, हमें पता है प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है मेनली उसमें भी तो ग्लूकोज बनता है ना। प्लांट्स में क्या हुआ, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, आपको ये डिटेल में पढ़ना है पूरा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हुआ, अच्छा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में क्या कहानी होती है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है ना, इसके थ्रू तो ग्लूकोज बना, और ये ग्लूकोज प्लांट्स की बॉडी में स्टोर होता है, हम जानते हैं स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा ना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, वो सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर हुआ, सुक्रोज, फिर ये स्टार्च यानी कि ये मोनोसेकेराइड, ठीक है, डायसेकेराइड और देन पॉलीसेकेराइड, आप पढ़ोगे सारी चीजें, तो सुक्रोज के फॉर्म में लीव्स में स्टोर होता है, और फिर अल्टीमेटली ये जो सुक्रोज होता है ये
स्टार्च के फॉर्म में फाइनली स्टोर हो जाता है, परमानेंट स्टोर। जब जरूरत होगी तो उस स्टार्च का पहले सुक्रोज में कन्वर्जन होगा, फिर ग्लूकोज में होगा। क्या कहानी हुई, सुक्रोज जो है इसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, एक एंजाइम के थ्रू। उस एंजाइम का नाम होता है सुक्रेज एंजाइम। ये सुक्रेज एंजाइम इस सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। और जब इसका ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तब ये रिलीज करेगा एटीपी को, यानी कि एनर्जी को। और ये जो एटीपी होगी, ये एटीपी या एनर्जी यूज करेगा प्लांट, ठीक है, यूज्ड बाय प्लांट्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। इस तरह से होता है रेस्पिरेशन प्लांट्स में। अब जो ये रेस्पिरेशन होता है दो तरह से होगा, ठीक है, प्लांट्स में भी हो या एनिमल्स में हो। ऑल्दो हम एनिमल्स का नहीं पढ़ रहे, लेकिन एनिमल्स में तो हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, लेकिन प्लांट्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। तो मैं यहां पर डिस्कस कर रही हूँ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, 11th में चैप्टर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम वहां पे, लेकिन अभी सिर्फ ब्रीफ पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, मेनली ये जो टाइप है रेस्पिरेशन का, इसको ना कई सारे क्लासिफिकेशन किए गए, हम सब नहीं पढ़ेंगे, जिनके बेसिस अलग अलग है। पहला जो बेस है इसका वो है ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, O2 इन्वॉल्वमेंट, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट। अगर उस फूड मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कह देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कह देंगे हम इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। अगर उस फूड के मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही है, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम कह देंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये इसमें क्या होगा, O2 does not utilize, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही है, ऑक्सीजन does not utilize, anaerobic respiration। ये mainly aerobic respiration जो है occurs in mostly organism, occurs in mostly organisms। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये हमारे मसल सेल्स में होती है, ह्यूमन मसल सेल्स में। ह्यूमन मसल सेल्स में भी कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी या आरबीसीज में होगी, ठीक है। और अगर यीस्ट सेल्स में होती है, सिंगल सेल सेल्स की बात करें, कुछ बैक्टीरिया में होती है, वहां पर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जब किसी भी एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर वन में, तो उसे हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन तो है ही है, लेकिन साथ साथ में इसमें कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि प्रिकर्सर्स होते हैं किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि आप पढ़ोगे इसमें एक सबस्ट्रेट बनता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डैप, ये एक इंटरमीडिएट प्रिकर्सर है ट्राइग्लिसराइड्स का, जिससे फैट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है वो बनता है रेस्पिरेशन के टाइम पर ही, एंड दिस इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये रेस्पिरेशन का, एंड दिस इज अ प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ
डिफरेंट और न्यू बायोमोलिक्यूल, दैट इज फैट मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें एनाबॉलिक भी हो रहा है, एक मॉलिक्यूल बन भी रहा है जिससे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसीलिए इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस होते हैं, सो दैट रेस्पिरेशन को और भी क्या कहा जाता है, ठीक है? या एक तो हमने लिख दिया इंटरनल प्रोसेस है, साथ साथ में इसमें क्या है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, एम्फीबॉलिक पाथवे, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। एम्फी का मतलब होता है दोनों है इसके अंदर, एम्फी वर्ड किसके लिए आता है, दोनों चीज के लिए आता है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? बोथ स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, ब्रेकडाउन भी हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है न्यू सब्सट्रेट का। तो इसीलिए इसको बोला गया है एम्फीबॉलिक, एम्फी मतलब बोथ स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स। इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, रिडॉक्स रिएक्शन, या आप इसे क्या भी कह सकते हैं, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी है। बेटा यहां तक सबको समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आया क्या? हाँ या ना, जल्दी से बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे ब्रीफ लेवल पे, क्योंकि हमें तो ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार चैप्टर है ये पूरा रेस्पिरेशन। प्लांट्स का पढ़ना है हमें, हम इसमें बहुत सारे साइकिल्स पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, टीसीए साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसी के अंदर में हम इसे पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शंस पढ़ेंगे, बहुत सारे फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक हमें जो नॉलेज जनरल आइडिया होना चाहिए, ऐसे हम फोटोसिंथेसिस को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर है ये आपके चैप्टर, ठीक है, आप इन्हीं में पढ़ोगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर बेसिक बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम अपना जो नीट वाला सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे टुमारो की, कल की क्लासेस से। यहां तक मैं किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं रब कर दूं, ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हो गया, अब क्या बचता है हमारा नेक्स्ट, बताइएगा, कोई और भी तो प्रोसेसेस हैं कि नहीं है? रेस्पिरेशन के बाद में है आपका ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये भी आपको चैप्टर पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। लेकिन हाँ, हम प्रोसेस में वही थोड़ा सा ब्रीफ इसका डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्या होता है एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल में इसी चीज को सर्कुलेशन कहा जाता है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, दोनों एक ही चीज है। सर्कुलेशन कह दीजिए, देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमने कोई भी खाना खाया, कोई मेडिसिन ली, कुछ भी लिया हमने, वो कहाँ जाता है, सीधा हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और उसके बाद में फिर वो जो डाइजेस्टेड जूस होता है उसको सक किया जाता है, ब्लड में डिफ्यूज किया जाता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, अगर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब बॉडी सेल्स और टिश्यूज तक जाते हैं ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पर जो मीडियम है वो कौन है, हमारा ब्लड है, ठीक है, ओके। क्या हो रहा है बेटा, अटक रहा है वीडियो, आई थिंक स्पीड तो ठीक से आ रही है, देखिए कितने सारे बच्चे तो अभी भी आ रखे हैं क्लास में, अब अगर मैं इनको एनरोल करती हूँ तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको नहीं हो रहा वीडियो में कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये अब हमें समझना है, ठीक है। प्लांट्स में भी वही सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं, बट हमें पता है कि प्लांट्स के पास में ब्लड तो होता नहीं है लाइक द एनिमल्स, है ना, बट उसके पास में ब्लड तो नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत सारे सैप होते हैं, प्लांट सैप जिन्हें हम कहते हैं, लिक्विड होते हैं वो भी, ठीक है, वो भी एक लिक्विड कॉम्पोनेंट होते हैं जनरली, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हमारे पास में
कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सारा काम करने के लिए। प्लांट के पास में वो ट्रांसपोर्टेशन कौन होता है, बेसिक बेसिक सा आइडिया बता रही हूँ। आपको पता है प्लांट्स के पास में टिश्यू सिस्टम होता है, ठीक है, दे ऑल्सो हैव टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन्स नहीं होते हैं उनके पास में। तो यहाँ पे जो टिश्यू है मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दो टाइप्स के टिश्यू होते हैं, ये बात आपने पढ़ी भी होगी, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। बताइएगा कहाँ होता है जाइलम प्लांट्स के किस पार्ट में होता है, फ्लोएम किस पार्ट में होता है, बताइएगा जल्दी से मुझे। देखो याद करने का ट्रिक बताती हूँ, जाइलम अगर आप इसे हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, जाइलम है ना, जाइलम मतलब जा, शब्द आ रहा है जड़, प्लांट्स की जड़, रूट्स में प्रेजेंट होता है जाइलम, याद रखिएगा। एक लर्न करने की ट्रिक है, ऐसा कहीं ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किसी बुक में। जाइलम से, जाइलम इज फॉर जड़, जाइल इज फॉर जड़ ऑफ द प्लांट। तो ये होता है रूट्स इन द प्लांट, रूट इन प्लांट्स, थोड़ा सही कर लीजिएगा, इन द रूट ऑफ प्लांट, इन रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। अब देखिएगा फ्लोएम के आगे ना ये वर्ड लगा हुआ है पी, पी का मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बोलूं पत्ती मतलब लीफ, तो ये कहां पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन लीफ ऑफ प्लांट, ये कहां रहता है, लीफ ऑफ प्लांट में, आ गया समझ में। जाइलम है कहां पे, रूट्स में, और रूट के पास, क्योंकि रूट कहां होती है हमें पता है, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो रूट्स फिक्स्ड होते हैं किसमें, सॉइल में, सॉइल मतलब अर्थ में, सॉइल के पास क्या होता है, बहुत सारे वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे, इनका ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर नहीं दिख रहा है, नेट फ्लक्चुएट हो रहा है क्या, ओके वेट एक मिनट, ये तो बच्चे बीच बीच में रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। मतलब मैं किसी को ऐड नहीं करने वाली, आप दिख रहे हैं, चलिए थोड़ा सा देख लिया करो, है ना, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, अथर ने बोला है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कौन प्रोवाइड करता है, वही हम पढ़ रहे हैं। देखो न्यूट्रिएंट्स तो बेसिकली कहाँ है, सॉइल में प्रेजेंट है, है ना, लेकिन वो सॉइल से, सपोज करिएगा ये एक प्लांट है, दिस इज एन अ प्लांट, ठीक है, ये इस तरह से ये एक प्लांट है कोई भी, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये सॉइल के अंदर है, यहाँ पे है सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, हम कोई भी चीजें देते हैं जमीन में तो देते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि प्लांट्स के ऊपर रख देते हैं, आप ऊपर भी रख दोगे तो भी वो जमीन पे गिरना है। तो यहां तक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचता है, ये होता है किसके थ्रू, किसके थ्रू, बट पूरी की पूरी, अच्छा ये तो इतना हो गया प्लांट सॉइल से, अगर उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे, मिनरल्स मिल रहे हैं, वाटर मिल रहे हैं, तो वो तो मिल रहे हैं जाइलम के थ्रू। अगर हमें पता है फोटोसिंथेसिस में, आपने पढ़ा भी होगा 10th लेवल पे फोटोसिंथेसिस, जो कि एग्जांपल है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, सनलाइट की हेल्प से खाना बनता है, लेकिन क्या सिर्फ सनलाइट ही रिस्पॉन्सिबल होती है, नहीं, सनलाइट से तो बेसिकली वो जो केमिकल्स होते हैं कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट को एंट्रेप करने का काम होता है क्लोरोफिल का, ये क्लोरोफिल उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, C6H12O6 में, और फिर इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है, इस तरह से तो होता है ये। तो यहाँ पे ये भी तो न्यूट्रिएंट ही है ना, ये भी तो प्लांट्स को जरूरी है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर गया था, हाँ बोलो, अच्छा
अभी दिख रहा है ठीक से? यार इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अब दिख रहा है? चलिए हाँ ठीक है। तो प्लांट के पास में जो ये वाटर मॉलिक्यूल गया है, ये कहां से आया है? ये तो यहीं से आया है ना, सॉइल से, यहां से गया है। चलो CO2 तो उसने कहां से ले लिया है? CO2 तो लीफ ने एब्जॉर्ब कर लिया, लीफ के पास में स्टोमेटा है, वहां से CO2 एटमोस्फेयर से लीफ ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो वाटर है इस कॉम्पोनेंट को बनाने के लिए, वो तो यहां से गया है ना, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं? जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन जाइलम ने यहां तक पहुंचाया वाटर को, लीफ के पास में वाटर पहुंचा जाइलम के थ्रू, CO2 पहुंची है एटमॉस्फेयर से, ये एटमॉस्फेयर से पहुंची है, ये पहुंचा है सॉइल से, ठीक है, किसके थ्रू पहुंचा है? जाइलम के थ्रू पहुंचा है। तब जाकर के क्लोरोफिल किसके पास में होती है? लीफ के पास में है, हमें पता है, और तब जाकर के उसने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कि जो क्लोरोफिल है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट लीफ के कौन से वाले सेल्स में होता है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, है ना। हाँ, इसी ऑक्सीजन का यूज भी करते हैं प्लांट्स जब उनको रेस्पिरेशन करना होता है तब। तो अब एक तो ये हमने पढ़ लिया कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग सेपरेट सेपरेट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सेपरेट होते हैं, पूरे के पूरे प्लांट्स में इस तरह से वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ऐसे। और इन वैस्कुलर बंडल्स में दोनों ही होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। जब जरूरत है वाटर की तो जाइलम करेगा, जब जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हुई है? लीफ में हुई है ना। ये जो सब्सटेंस है ये लीफ में बना है, इन्होंने वाटर तो पहुंचा दिया, बदले में इनको भी तो फूड मिलना चाहिए, तो वो कौन पहुंचाएंगे? वो ये टिश्यू पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन, यानी कि वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, दे बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, तो हम उसे कहते हैं वैस्कुलर बंडल। अब आया समझ में? हाँ या ना? ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ ट्रांसपोर्टेशन में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमें फोटोसिंथेसिस का एक चैप्टर है पूरा पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एक चैप्टर है पूरा पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वो भी हमें पूरा पढ़ना है, वो भी एक चैप्टर है। तो इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे, हमारे जो हमारी कल से जो हम स्टार्ट करेंगे नीट का सिलेबस उसके अंदर में पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे, इन तीन टॉपिक को तीन चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम कितना डिटेल पढ़ने वाले हैं, अप टू नीट लेवल पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से होता है ट्रांसपोर्टेशन। वही अगर हम बात करते हैं कितने सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसा होता है ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है, बहुत तरीके की सेल्स होती हैं। उससे पहले हम इसमें एक एनाटॉमी वाला चैप्टर भी है, उसे भी पढ़ेंगे एनाटॉमी, उसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से सेल्स होते हैं एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल, जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो अगर सिर्फ जाइलम की वजह से होता है या वैस्कुलर बंडल की, या कोई और भी उसके पास में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट ऑल देम इन फुल डिटेल, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में ग्रोथ पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने, रेस्पिरेशन पढ़ा हमने, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हमने, कुछ और रिमेनिंग है इसके अलावा? आई डोंट थिंक सो कि अप टू प्लांट्स लेवल कोई रिमेनिंग है इसमें। हाँ बस एक मूवमेंट और रिमेनिंग है। अगर मैं मूवमेंट की बात करती हूँ प्लांट्स में, तो प्लांट्स हमेशा दो तरह के मूवमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। एनिमल्स का मूवमेंट कैसा होता है? आप घूम फिर सकते हो, आपके पास में क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, पैर हैं आपके पास में, है ना। प्लांट्स के पास तो नहीं होते ना, क्योंकि प्लांट्स के पास तो ये होती हैं और ये फिक्स्ड होती हैं, इसलिए वो मूव तो कर नहीं सकते हमारी तरह, लाइक एनिमल्स की तरह, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट करते हैं।
यहां से दिखाई दे रहा है सबको, मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ना दो तरह का मूवमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक एक तो होता है, फर्स्ट वन इज नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक। आई होप आपने ये तो पढ़ा ही होगा, टेंथ लेवल पे ही पढ़ा दिया जाता है, मुझे पता है। और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ट्रॉपिक नॉट ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मूवमेंट। इस फिनोमिना को ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, ट्रॉपिज्म। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई सबने? तो प्लांट्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। पॉइंट्स को मैं यहां पे लिख देती हूँ अलग से हाईलाइट करके। प्लांट्स डू नॉट हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक एनिमल्स। आया समझ में? बट फिर भी वो मूवमेंट करते हैं। तो वो मूवमेंट कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं, या तो उनमें नेस्टिक मूवमेंट होगा, या तो उनमें ट्रॉफिज्म होगा, ट्रॉफिक मूवमेंट होगा। ये दोनों ही जो मूवमेंट्स होते हैं, देखिए ये वाला जो है ना नेस्टिक मूवमेंट, ये क्या है? सडन मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है। एक्चुअली हमें पता है ना, मूवमेंट जो प्लांट्स में हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, यानी कि टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई, ठीक है, टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? चलिए मैं अपने हिसाब से बता ही देती हूँ, ठीक है। देखिए तो ये जो है ना मूवमेंट प्लांट्स जो करते हैं वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए करते हैं। स्टिमुलाई आपको पता है ना, कोई भी रिस्पॉन्स के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, हमारा रिस्पॉन्स कहाँ होता है, हमारी बॉडी में भी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही रिस्पॉन्स होते हैं। किसी ने कोई जोक मारा अच्छे से, आपको हंसी आ गई, है ना, ये कैसा रिस्पॉन्स है आपका? एक एक्सटर्नल रिस्पॉन्स है, जोक आपको बाहर से सुनाई दिया। इंटरनल बॉडी हमारी रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट करती है? आपने कोई दवा खाई, कोई इंजेक्शन लिया, हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है। जब हमारी एलर्जी हो जाती है या कुछ भी है तो वो एक इंटरनल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि जो सामने वाले ने आपके साथ में काम किया, किसी ने आपको गाली दी, आपको गुस्सा आ गया, आप लड़ने लग गए उससे, तो आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया ना, रिस्पॉन्ड किसके लिए किया है? वो जो रिएक्शन आपके सामने हुआ है उसके लिए हुआ है। तो वो जो रिएक्शन है उसको हम स्टिमुलाई कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है कि जो प्लांट्स होते हैं ना ये भी मूवमेंट करते हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है उनके लिए। इंटरनल के लिए तो होगा ही होगा इनकी बॉडी में भी, लेकिन एक्सटर्नल के लिए भी, क्योंकि एक्सटर्नल रिस्पॉन्स में ही तो हम इनका मूवमेंट देख सकते हैं। इंटरनल मूवमेंट तो हमारी बॉडी में भी कोई नहीं देख सकता। आप हंस रहे हो, हंसने के लिए जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसे कौन देख पा रहा है? कोई नहीं देख पा रहा, बस आप हंस रहे हो, आपके मुंह हाथ पर चल रहे हैं, उनको देख पा रहा है कोई भी। लेकिन ऐसे ही प्लांट्स का भी एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, जो रिस्पॉन्स है, उनके लिए प्लांट्स जो भी मूव कर रही है उसे हम कहते हैं या तो नेस्टिक मूवमेंट होता है वो, या तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, फास्ट होता है। और आप ये कह सकते हैं ये फास्ट मूवमेंट होता है फॉर अ शॉर्टर टाइम, छोटे टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम, लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। हम डिटेल इसका भी पढ़ेंगे। टच मी नॉट प्लांट सब जानते हो ना, मिमोजा पुडिका, छुई मुई का जो पौधा होता है। आप जब उसकी तरह, फिर से ब्लर हो गया बेटा, दो मिनट वेट कर लिया करो, तो फिर एक सेकंड रुक जाया करो, जब ब्लर हो जाया करो ना तो थोड़ा सा रुक जाया करो। चलिए, तो जो नेस्टेड मूवमेंट होता है फास्ट मूवमेंट होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, उस टाइम के लिए होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी टच मी नॉट प्लांट का, नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो टच मी नॉट प्लांट में होता है। पता है ना सबको ये टच मी नॉट प्लांट, मिमोजा पुडिका, छुई मुई का जो पौधा होता है, इस पौधे के लीव्स की तरफ अगर आप ऐसे उंगली करते हो तो उसकी जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, लीव्स रिंकल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, रिंकल्स हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस से वो फ्रेश हो जाती है।
तो ऐसा जो मूवमेंट होता है उसे तो हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। आ गया समझ में? तो ये प्लांट्स का मूवमेंट आपने देखा, आपके सामने हुआ, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं हुआ, जब आपका एक्सटर्नल रिस्पॉन्स था तो हुआ। ये वाला जो मूवमेंट होता है ये सडन मूवमेंट नहीं होता है, स्लो प्रोसेस होती है, स्लो मूवमेंट होता है, ये बहुत स्लो होता है। पर ये तो ठीक हो गया, ये ठीक नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम मूवमेंट। इसमें जो रिस्पॉन्स किया था वो भी एक्सटर्नल था, यहां पर भी रिस्पॉन्स जो है वो एक्सटर्नल ही है, लेकिन ये एनवायरमेंट के जो स्टिमुलाई होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्ड करती है यहां पर प्लांट बॉडी। यानी कि प्लांट्स बॉडी रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स, ठीक है, एक्सटर्नल या रिस्पॉन्ड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए प्लांट्स की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। उस तरह का जो मूवमेंट है जो धीरे धीरे होगा आपको एक साथ नहीं दिखाई देगा, ये विजिबल है, ये विजिबल भी नहीं है, लेकिन इसका जब रिस्पॉन्स बहुत बड़ा हो जाएगा तब आपको दिखाई दे जाएगा। और ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम बाद ये ठीक हो गया, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है ये फिर इसका कोई टाइप नहीं है, नेस्टिक मूवमेंट का कोई टाइप नहीं है, ये हर प्लांट्स में होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखती हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जितने भी इसके टाइप्स हैं वो सबको। ट्रॉपिक मूवमेंट सभी प्लांट्स में, इवन दैट जो टच मी नॉट प्लांट में नेस्टिक मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट तो होगा ही होगा जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन उसमें ये वाले जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये भी होते हैं, ट्रॉपिज्म भी शो करता है वो, ठीक है। तो देखिएगा, नाउ ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म ये फिनोमिना है, प्रोसेस है, ट्रॉपिक मूवमेंट का जो प्रोसेस है उसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स। हमें पता है ये, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखती हूं तो ऑल प्लांट्स आएंगे, ऑल प्लांट्स, आइदर दे आर लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक, पेरिडोफाइट्स, कोई भी हो, सभी में होगा ये, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्ड कर रही है प्लांट की बॉडी किसके लिए, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। एक्सटर्नल तो है वो, लेकिन वो एनवायरमेंटल भी है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है, जो रिएक्शन से जो चेंजेस हैं उनके लिए प्लांट की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। बहुत लंबे टाइम के लिए होता है ये वाला जो रिस्पॉन्ड है। ट्रॉपिक मूवमेंट कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, वो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई होगा, है ना। तो टाइप्स में यानी कि जो इसका बेसिस है वो क्या है, ये है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कौन सा एनवायरमेंटल स्टिमुलाई यूज हो रहा है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑफ फाइव टाइप्स मेनली। जल्दी जल्दी से मुझे टाइप्स के नेम बताइएगा। आई नो सबने पढ़ा हुआ है ये, मुझे पता है 10th लेवल तक में होता है ये। देखिएगा, फर्स्ट है जियोट्रॉपिज्म, याद आया, जियोट्रॉपिज्म, सेकंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थर्ड फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, फोर्थ कीमोट्रॉपिज्म, कोई बता नहीं रहा है मुझे, मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी ने मैसेज किए हुए हैं। अच्छा, मैसेज तो करे हुए,
हाँ ठीक है, तो जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, और एक और जिसमें ट्रॉपिज्म है दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये ट्रॉपिज्म नहीं होता, ये ट्रॉपिज्म होता है, ट्रॉपिज्म। और ये आपका ट्रॉफिक नहीं होता है, वही ट्रॉपिक मूवमेंट ही होता है ना, ये ठीक कर लीजिएगा। देखो बस हमें ये समझना क्या है, जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब यहां पर प्लांट की बॉडी रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है, यहां पे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए जो प्लांट्स की बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है उसके फेवर में, ठीक है, उसके लिए। तो जो रूट होते हैं आपको पता है ना, रूट हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन जो शूट पार्ट है, शूट मतलब स्टेम वगैरह जितने भी लीफ वगैरह हैं, ये सब नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। आया समझ में? हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। यानी कि यहां पर प्लांट बॉडी रिस्पॉन्ड किसके लिए करती है? वाटर के लिए, है ना। सेम वही कहानी है, जो रूट्स होती हैं वो तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है, रूट शो पॉजिटिव। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ, पॉजिटिव। आपने देखा है किसी नदी किनारे अगर आपने कोई प्लांट देखे आप, तो उसके आप रूट्स को देखोगे तो वो वहां तक भी पहुंच जाती है ना, तो वही है यहाँ पे। इसके अलावा जो शूट पार्ट है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट, है ना, तो टुवर्ड्स सन लाइट। एक प्लांट को आप गमले उठा करके कमरे में रख दो 15 दिन के लिए अंधेरे में, वो सूख जाएगा, उसको सनलाइट नहीं मिल रही है ना। या आपने अगर दीवार में कहीं पे भी ऐसी जगह है जहां से लाइट आ रही है, तो उस प्लांट के धीरे धीरे, पढ़ा होगा आपने 7th 8th में पढ़ा दिया जाता है, उसकी जो ट्विल्टिंग होगी वो किधर की तरफ बेंड कर जाएगा, जिधर की तरफ से सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पर भी वही है, प्लांट्स का मूवमेंट हो रहा है सनलाइट की तरफ, है ना। इसमें जो रूट होते हैं वो तो जमीन के अंदर होते हैं, तो वो तो सनलाइट के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, तो ये तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करेगा। लेकिन जो लीव्स है यानी कि शूट पार्ट है प्लांट का, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। आया समझ में? कीमोट्रॉपिज्म केमिकल्स के लिए, ठीक है, केमिकल्स मतलब जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके
सॉरी हाँ ठीक है, तो रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स केमिकल्स, ये हो गया आपका कीमोट्रोपिज्म। इसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, आप पढ़ोगे पॉलन ग्रेन्स, आपने पढ़े भी होंगे, जिनमें मेल गैमेट्स बनते हैं प्लांट्स के, है ना, तो ये पॉजिटिव शो करते हैं, दे शो पॉजिटिव पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, एंड रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है प्लांट का वो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म शो करता है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, थिग्मो यानी कि टुवर्ड्स सपोर्ट, जैसे समझिएगा ये बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, जो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे वाले प्लांट्स जनरली, जैसे मनी प्लांट है या कोई भी आपके प्लांट्स हैं जनरली, ठीक है, जिनके पास में स्टेम रूट सिस्टम होता है, उनके पास में जो सपोर्ट होता है, अगर वहां पे जाके आप बॉटल रख दो या किसी की वॉल आ जाए तो वो उसी को सपोर्ट में करते हुए चलती है ना। तो थिग्मोट्रोपिज्म का भी बेसिकली जो शूट है ये तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं, और जो रूट है ये नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म को शो करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये बेसिकली जो वीक सिस्टम वाले, वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं उनमें मिलता है देखने को, वीक स्टेम प्लांट बॉडी थिग्मोट्रोपिज्म, और इनफैक्ट नॉट ओनली वीक स्टेम वाले, सभी में देखने को मिलता है। कभी कभी देखा होगा आपने किसी के घर में, अगर कोई प्लांट है आम का ही पेड़ सही चाहिए वो, अगर उसको अपने किसी रूट को निकालना है तो वो घर से ही निकाल देगी, यानी कि उनको कोई ना कोई सपोर्ट जरूर चाहिए, तो ये इस तरह से क्या करते हैं, अपने मूवमेंट को शो करते हैं। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है किसको, पूरा बेसिकली जो लाइफ प्रोसेसेस है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं आपके लेवल तक के, वो कल से हम हमारे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे जो हमें एक्चुअल में पढ़ना है, नीट का सिलेबस, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम है एक बार बता दीजिएगा, नहीं है नाम, चलिए बेटा ठीक है, थैंक यू मैम, वीडियो हैज पॉज मैम, कल से आप द लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर लेने वाले हो ना, लिविंग वर्ल्ड, चलिए ठीक है, हम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड ही स्टार्ट करेंगे कल का चैप्टर, और ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड में काफी कुछ आपको उसमें से देखने को मिलेगा। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।